नंदी बैल कटाईकरिता घेऊन जात असल्याची माहिती मिळताच श्रीराम सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तात्काळ धाव घेऊन विलासनगर परिसरात वाहन अडविले. याचीच माहिती गाडगेनगर पोलिसांना देऊन नंदी बैलाला जीवनदान देण्यात आले. यात आता गोवंश तस्करी करणाऱ्या विरोधात कडक कारवाईची मागणी कालीमाता मंदिर विश्वस्त पीठाधीश्वर शक्ती महाराज यांनी पोलीस प्रशासनाला केली आहे. बाहेर राज्यातून अमरावती शहरात अनेक गोवंश तस्कर जनावरांना कटाईकरिता वाहनाद्वारे दाखल होत आहेत. यात पोलिसांना याची आधीच खबर लागली तर अनेक गोवंश तस्करांना ताब्यात घेऊन गोवंशाला जीवनदान मिळत आहे. आता मात्र काही गोवंश तस्करांनी एका नंदी बैलाला शहरात तस्करी करण्यासाठी एका लोडिंग वाहनात येत असल्याची गुप्त माहिती श्री शक्ती महाराज यांना होताच त्यांनी श्रीराम सेनेला घटनास्थळी पाचारण केलेत. श्रीराम सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वाहनाला वेढा घालून विलासनगर परिसरात वाहनाला अडविलेत. याचीच माहिती तात्काळ गाडगेनगर पोलिसांना देऊन त्यांना सुद्धा पाचारण करण्यात आले. पोलिसांनी नंदी बैलसह वाहन जप्त करून पोलीस स्टेशन आणलेत. यावेळी कालीमाता मंदिर पीठाधीश्वर शक्ती महाराज यांनी पोलिसांना फोन करून गोवंश तस्करी करणाऱ्या विरुद्ध कडक कारवाईची मागणी केली आहे. या दरम्यान शक्ती महाराज यांच्या समय सूचकतेने आणि श्रीराम सेनेच्या तत्परतेने एका नंदी बैलाला जीवनदान मिळाले. यावेळी श्रीराम सेनेचे मनीष सूर्यवंशी, दुर्गेश सोळंकी, सतीश सूर्यवंशी, पावन सोळंकी, संदीप पवार, राज पवार, तुषार भटकर, प्रतिम पवार पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. जय श्रीराम. मैं विजय दुबे, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय श्रीराम सेना. आज हमारे गौ रक्षकों ने यहाँ पे एक गाय की गाड़ी पकड़ ली है जो गाड़कनगर पुलिस स्टेशन में लाई गई है. इसमें नंदी बैल, जो नंदी बैल से आज पूरा विश्व में अयोध्या धाम का और काशी विश्वनाथ का खुलासा हुआ, उसी प्रकार अमरावती में नंदी बैल और गौ माता की कटाई के लिए जो लेके जा रहे थे वाहन, वो हमारे गौ रक्षकों ने आज पकड़ा. और हमारे शक्ति महाराज जी ने फोन करके प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. और ऐसी इस प्रकार के जो भी होना हमारे नंदी बैल गौ माता को कटाई के लिए ले जाएंगे, हमारे गौ रक्षक उसे बचाने का कार्य कर रहे हैं और धर्म के रास्ते राष्ट्रीय श्रीराम सेना का कार्य चालू है. गाड़ी विधानसभा चौक से जा रही थी, ये गाड़ी हमने वहाँ पकड़े और पुलिस स्टेशन में लेके आ गए. आज़ाद नगर की तरफ से गाड़ी जा रही थी आजाद नगर चौक होते हुए और कुछ धारकर उधर के जो चार पांच पलटन थी वो आई भी थी. वो बोले हमारी गाय है, वो बोले कोई दूसरा बोलता है कि हमारी गाय है. ये क्या चल रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे हिसाब से. ये गैया को बचा रहे हैं या गैया को बेच रहे हैं, और गैया है काटने को लेके जा रहे, कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं. और पुलिस भाइयों ने भी हमारे को बहुत सहकार्य किया और हमारे राष्ट्रीय श्रीराम सेना के है, ऐसे काम करते रहेंगे आगे तक के. जय श्री राम.